ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। You are in the court, applies to you. No, my lord, the question is, my lord, there's no question. You got my friend has come. Mr. Nedumbara, one second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, file an application. चिल्लाओ मत, ये courtroom है। बेहद सख्त और कड़क लहजे में भरे कोर्ट के सामने CJI DY चंद्रचूड़ ने सामने खड़े वकील की ऐसी फटकार लगाई कि आसपास मौजूद सीनियर से लेकर जूनियर वकीलों तक चुप्पी साधे सब ताकते रह गए। ये वाक्य उस दौरान हुआ जब 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुनवाई हो रही थी। पक्ष और विपक्ष की ओर से अपने अपने तर्क रखे जा रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस वकील मैथ्यूज नेदुमपारा पर भड़क गए। पूरे मामले पर बात करने से पहले आपको सुनवाई के दौरान का ये वीडियो दिखा देते हैं। Now, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute adjudicator. This judgment doesn't constitute constitutive adjudicator. One second. Yes. One second. This judgment is void. Please listen to me. One second. I am a citizen of this country. One second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a hyper corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rohatgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, there's no question. You've got my friend has come. Mr. Nedumbara, one second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, file an application. Move it on the email. That's the rule in this court. जब चीफ जस्टिस की लगातार फटकार के बाद भी वकील मैथ्यूज ने दुमपारा नहीं माने तो जस्टिस बी.आर. गवई ने सुनवाई के बीच दखल देते हुए वकील को डांट लगा दी। 18 मार्च की सुबह 10:30 चीफ जस्टिस की बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान चीफ जस्टिस और वकील मैथ्यूज ने दुमपारा के बीच बहस हो गई। इस बहस की शुरुआत कैसे हुई ये भी जान लेते हैं। कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहता है कि वह यूनिक बॉन्ड नंबर्स की इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक जारी कर दे। इसी सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस से कहा कि सर, मैं फिकी और एसोचाम की तरफ से आया हूं, हमने एप्लीकेशन फाइल की है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसी कोई एप्लीकेशन मेरे सामने नहीं है। फिर मुकुल रोहतगी ने कहा कि सर, मेरी एप्लीकेशन इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर्स के संबंध में है। जिस पर चीफ जस्टिस नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि जब हमने इस पर फैसला दे दिया उसके बाद आप आ रहे हैं, अभी हम आपको नहीं सुन सकते। इस बीच जस्टिस गवई भी कहते हैं कि पूरी दुनिया जानते हैं इस मामले पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे चीफ जस्टिस कहते हैं, हम आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, जैसी व्यवस्था सबके लिए है वैसी ही आपके लिए भी है। अभी चीफ जस्टिस मुकुल रोहतगी पर नाराज हो ही रहे थे, इसी बीच वकील मैथ्यूज नेदुमपारा ने बीच में बोलना शुरू कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस भड़क गए और उन्होंने भरे कोर्टरूम के सामने वकील मैथ्यूज नेदुमपारा की क्लास लगा दी। आपको बता दें, जिन वकील मैथ्यूज नेदुमपारा पर चीफ जस्टिस नाराज हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील हैं। बारन बेंच की 12 मार्च 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में वकील मैथ्यूज नेदुमपारा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी भी पाया था। मैथ्यूज नेदुमपारा 1984 में बार काउंसिल ऑफ केरला में एनरोल्ड हुए थे। वो सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, बैंकिंग, फाइनेंस और कंपनी लॉ से रिलेटेड केसेस लड़ते हैं। साल 2010 में उन्होंने नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स की शुरुआत भी की थी। इनकी लॉ फर्म मुंबई बेस्ड है, लेकिन बाकी राज्यों के हाई कोर्ट के मामले भी देखती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस तरह की दखलंदाजी और टोका टाके को लेकर चीफ जस्टिस पहले भी कई वकीलों को फटकार लगा चुके हैं, लेकिन 18 मार्च को जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उनकी अब खासी चर्चा है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूँ दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।